फर्स्ट टाइम हमने एक नया वर्ड शुरू किया है, जितेन हजारिका का हार्ड वर्क डेडिकेशन एंड अचीवमेंट कैन नेवर बी मैच्ड, कैसे नहीं कर सकते। इन द फील्ड ऑफ आर्ट एंड कल्चर ही इज बीइंग ट्रीटेड एज द मोस्ट वैल्यूड पर्सन। सर, ये हमारी संस्था को एक ऑनर है कि वी आर गोइंग टू ऑनर यू। कुछ भी बोलो, बस आप बोलिए। ऑल आर्टिस्ट आर लवर्स एंड ऑफ कोर्स वी आल्सो आर्टिस्ट एंड गैलरीज का होता है। लेकिन अभी महेंद्र जी ने मुझे बोला, आपको सम्मान दिया, ऐसे मैं एक सिंपल में सता हूँ, किसी को अगर यू नो इफ यू गिव ए बुके ऑफ फ्लावर टू समबडी, तो जिसको दिया तो ठीक है, पर जो देता है उसका भी हाथ सुगंध हो जाता है। सो मुझे ये दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आई एम वेरी थैंकफुल। Mr. T. Thangad, please come. आप कीर्तंकर विश्वास जी जाने माने कीर्तन हो। सर थोड़ा बुकिंग इंडियन आर्ट एंड कल्चर के फील्ड में जो इन्होंने किया है, उससे मैं ये समझता हूँ कि जो यंग जनरेशन है उनको एक इंस्पिरेशन तो मिलती ही मिलती है। और यंग जनरेशन के लिए ये हार्डेस्ट इंस्पिरेशन फॉर यंग जनरेशन, और इनको हम वी कैन कॉल हिम ए मेंटर एंड ए फ्रेंड। तो इसके लिए आपको अग्निपथ मोस्ट वैल्यूड पर्सन अवार्ड से हम सम्मानित कर रहे हैं। आप
सर प्लीज फोन, आपने मुझे उस दिन फोन किया कि सीनियर आर्टिस्टों को देंगे, मैंने मैं तो उतना सीनियर नहीं हूँ अवार्ड मिलने वाला, तो बहुत कम मतलब याद हो, तो उस हिसाब से हमें जो भी मिला बहुत ज़्यादा ही कुछ मिल गया। तो सर हीरे को अपनी पहचाननी होती है, उसकी जूरी ही पहचान करती है आप क्या है, क्योंकि आई एम नॉट एन आर्टिस्ट, मैं नहीं हूँ, लेकिन आर्टिस्ट क्या बनाता है, क्या कहना चाहता है, उसकी मुझे समझ जरूर है, तो वो मैं कर रहे हैं। तो व्हाट यू आर डूइंग फॉर इंडियन आर्ट, यू आर प्रमोटिंग इट एट इंटरनेशनल लेवल, दैट इज व्हाई यू आर द मोस्ट वैल्यूड पर्सन। थैंक यू फॉर द अवार्ड। थैंक यू सर। Thank you. उन्होंने मैं आपको रविंदर तनवर जी को, इनको हम फोटोग्राफी के क्षेत्र में सम्मानित करने जा रहे हैं, और काफी समय से हमारे साथ जुड़े हैं। रविंदर जी आप भी आइए प्लीज, शंकर पार्वती की जोड़ी को रख भी किया जाए, तो आप भी आर्टिस्ट हैं, फोटोग्राफर हैं रविंदर जी, और काफ़ी समय से हमारे साथ जुड़े हैं और मैंने देखा है डिपेंड करते हैं, और अपने काम के अलावा ये यंग जनरेशन के जो आर्टिस्ट हैं और जो एमिनेंट आर्टिस्ट वगैरह हैं उनको प्रमोट भी करते हैं, उनके एग्जीबिशन भी करते हैं। आइए रुकते जी, मैं सर के साथ यहाँ स्टेज पर खड़ा हूँ, ही वॉज माई टीचर व्हेन आई वॉज इन माई कॉलेज, आई रिमेंबर ऑल दोज डेज, और मैं अभी भी पुरानी दुनिया में जीता हूँ, मैं अक्सर अभी भी कभी कभी किसी को पता भी नहीं चलता, और मैं कब जामिया घूमाता हूँ और वापस फटाफट आ जाता हूँ, तो वो मेरे अंदर एक काबिलियत है जिसको मैं जानता हूँ, इसके अलावा मुझे नहीं पता। सर कह रहे हैं और सर भी कह रहे हैं कि मैंने काफ़ी कुछ किया, अभी कुछ किया नहीं है, करना है, कब किया ये भी पता नहीं चला है, तो चल रहे हैं। ये सर आपको इसीलिए दिया है कि आपको प्रेरणा मिले कि कुछ और करें जो अब तक किया है। रियली थैंकफुल सुमेंद्र जी एंड दिलीप सर कि उन्होंने मुझे इस लाइक समझा हम दोनों को, और प्रोत्साहित किया कि हमें अभी और बहुत कुछ करना है और अभी लंबा सफर बाकी है। जहाँ पूजा होती है कर्म की, वही लोग आगे बढ़ते हैं, मन का केवल वेग चाहिए, पांव से हम चल सकते हैं। मतलब यह है कि इफ यू हैव विल पावर यू कैन अचीव योर गोल, बट यू शुड नो व्हाट इज योर गोल, ऐसा ना हो कि हॉकी का गोल मारना और फुटबॉल वाले में मार रहे हैं, तो प्लीज कंसंट्रेट योर गोल। तो रविंदर जी और रविंदर जी जो ये कर रहे हैं हम लोगों ने देखा है, और काफ़ी रविंदर जी आज तक परेशान भी हैं, हम लोग पूछते रहते हैं, उसके बावजूद भी ये आई हैं, इनको काफ़ी तो ये इनकी हिम्मत है, ये एक आर्ट और कल्चर की हिम्मत है जो इनको जगह जगह लेके जा रही है। थैंक यू सर।
आई सुमित्रा जी, सुमित्रा जी आप बराबर ये फूड कॉर्पोरेशन में ब्रिगेडियर कई जगह इन्होंने नौकरी की है, इनके अंदर आप उसको इन्होंने दबा के रखा जैसे सर मैंने भी दबा के रखा, लेकिन वो आग अंदर ही अंदर गड़कती रही और जिस दिन ये रिटायर हुई 30 साल तक इन्होंने दबा के रखी। उसके बाद जो इनके बुरुज चले हैं, जो रंग चले हैं कैनवस पर, तो इस समय मेरा जहाँ तक आइडिया है दिल्ली में सीन नंबर वन। और यस आई वी नो व्हाट यू आर, टोंक में एक आर्टिस्टों का कैंप था, 500 आर्टिस्ट थे, यहाँ मैंने उनका काम देखा और मैं उनका इंस्पायर हुआ, मैं इनके घर गया और जो उनका वर्क देखा, उनका बिहेवियर देखा और मेरे मन में आया यस शी इज द मोस्ट वैल्यूड पर्सन ऑफ इंडिया। अग्निपथ गोल्ड मेडल कला जगत में आ गया तभी तो अवार्ड मिला। मैं है सुमित्रा अहलावत, आर्टिस्ट बनने की कोशिश में हूँ और सर ने जो इतना बड़ा वो कर दिया कि दिल्ली में पहचान है, पहचान बनाना चाहती हूँ और उस और अग्रसर भी हूँ। और अभी मेरा गवर्नमेंट जॉब से रिटायर होने के बाद मैं अभी जुलाई 2020 से दोबारा से सेकंड इनिंग शुरू किया है और मेरा काम की एक पहचान है, इसी में मेरी सबसे बड़ी जीत है। और उम्मीद करती हूँ कि ये जो सम्मान मुझे दिया है इसके मैं योग्य मेरे ख्याल से तो अभी नहीं थी, और लेकिन आपने बहुत सम्मान बढ़ाया और इतना जो हौसला बढ़ गया इस सम्मान से, उम्मीद करती हूँ कि कुछ और आगे जितने आपने बात कही है उसके कहीं तो जाके नज़दीक में लगूँ। नीरज शर्मा जी गुड़गांव से हैं और इज वेरी साइलेंट वर्कर, जो जो आर्ट को प्रमोशन के लिए करना है कैंप लगाना है किंगडम ऑफ ड्रीम्स वगैरह मैं जाता हूँ, मुझे बुलाते तो नहीं लेकिन मैं चुपचाप जाके वहाँ देख करके आता हूँ और बड़ा इंस्पिरेशन मिलती है मुझे कि साइलेंटली काम कर रहे हैं और शायद ही कोई हरियाणा में ऐसा आदमी हो जो उनको ना जानता हो। सर अग्निपथ की तरफ से गोल्ड मेडल आपको। सर,
थैंक यू नीरज जी फॉर एक्सेप्टिंग दिस सौभाग्य है मेरा। और जैसा कि इन्होंने कहा कि शायद ही कोई इंसान होगा जो हरियाणा में मुझे ना जानता हो। एक मेरा मित्र था सर, वो उसने मुझे इंट्रोड्यूस किया कि ये नीरज शर्मा है, इन्हें इनके घर वालों के अलावा कोई नहीं जानता। बोला तो इतना सम्मान देने के लिए शुक्रिया और मोटिवेशन। राज प्रधान जी आइए। राज प्रधान जी काफी समय से मतलब भी जुड़े हैं, हमें याद है एक प्रोग्राम में पहली बार राज प्रधान जी आए थे, ये इरम खां भी उस प्रोग्राम में थी चंडीगढ़ में, साहब भी थे, तो वहाँ से हमारी जानकारी नहीं, उसके बाद हमारे से जुड़े हुए हैं। ये एक नया अवार्ड है, इनको आर्ट के फील्ड में दिया जा रहा है। ये अपने यहाँ वायनाड में कैंप भी लगाते हैं आर्टिस्टों के, प्रमोट करते हैं और खाना पीना सब रहना इनके यहाँ होता है, तो प्रमोशन कर रहे हैं। तो इनको हम अग्निपथ की तरफ से शाने भारत के अवार्ड से सम्मानित कर रहे हैं। सम्मानित शाने भारत So, I already spoken a few words. I don't know if you need too much to speak. That's what I think. Hope you don't mind. I don't have any language. ना फिर भी अब थोड़ा सा ठीक है। मैं ऐसे सर बोला था ना, मेरे पास एक छोटा सा कॉटेज है वायनाड में। वायनाड is a different place compared to other parts of Kerala, climate wise. Because it's our Rahul Gandhi's constituency also. And apart from that, I have a friend who has got a bigger estate. So that, he is also a very generous person. He is the owner of a plywood factory, the biggest factory in Asia, Western Indian plywood, you can Google it. So he is also wanting to promote artists. So anybody who wants to come as a group or individual with family, they're always welcome to stay there. It's an old bungalow. It's completely cut off from the road and it's purely what you say. It's a beautiful climate. You can enjoy any days, number of days you want to stay. Free of cost. It's not commercial. And I try to help people. It's not myself. My bank balance is nil. Maybe. But anyway, I like to help people. Anyhow, not even artists. As a common man, anybody can come. Need not be an artist to come and meet. So whatever you're giving me here, I would like to give back to you if you come to Kerala. विक्रम रावली और बुढ़ाई जब आपको ये बहुत बड़ी लड़ाई को, अब मैं एक ऐसे शख्स को बुलाने जा रहा हूँ जो पीछे से हमें पुश करते हैं, हर जगह मिलते हैं। तो फर्स्ट टाइम हम उनको सम्मानित करने जा रहे हैं, भारतीय जी। हाँ तो नाउ आई रिक्वेस्ट प्रवीण माथुर जी, आइए इनको सम्मानित करना है। मैडम
शाने भारत से सम्मानित करने जा रहे हैं। आप डॉक्टर भी हैं, राइटर भी हैं एंड मोस्ट आर्ट प्रमोटर हैं, काफ़ी प्रमोट करते हैं आर्ट को, तो जिसकी हम आर्टिस्टों को ज़रूरत होती है कि भी आर्ट प्रमोटर भी हों, आर्ट डीलर भी हों सारे, तो हम ऐसे लोगों को भी आगे लाते हैं। थैंक यू वेरी मच अदर वर्ल्ड एंड शांता आर्ट गैलरी ऑल्सो एंड मिस्टर एंड मिसेस गारी, जो सबको हमेशा वेलकम करते हैं, हमेशा इट इज़ अ होम फॉर एवरी वन, मे बी आर्टिस्ट, मे बी आर्ट लवर, दैट इज़ द बेस्ट क्वालिटी इन देम। आई विश देम ऑल द बेस्ट, आई विश यू ऑल द बेस्ट। लास्ट एक और है, ही इज आल्सो आर्ट प्रमोटर और आर्टिस्टों को काफ़ी काम देते हैं, गैलरी में उनके एग्जीबिशन भी रखती हैं, आर्ट डीलर्स से भी आते हैं। तो नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट सरदार संदीप सिंह हितकारी। आप लोगों को जो आर्ट का डिस्प्ले चाहिए होता है, क्योंकि आर्टिस्ट को चाहिए उसका डिस्प्ले, उनके लिए हितकारी जी सर, सर रुकते जी आप आइए, रुके जो आप कभी शाने भारत प्रमोटिंग इंडियन आर्ट एट नेशनल लेवल, से हर साल एक एनुअल अवार्ड फंक्शन करते हैं, जैसे ललित कला आईफैक्स आईफा वाले ऐसे अग्निपद करते हैं, जिससे पूरे इंडिया और इंडिया से बाहर जो भी इंडियन आर्ट कल्चर राइटिंग सिंगिंग डांसिंग को प्रमोशन करते हैं, उनमें से 150 हम कलाकार सेलेक्ट करते हैं। और अब काजी जी आप अगर कुछ नहीं कहेंगे तो प्रोग्राम अधूरा है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं सबसे पहले इस गैलरी में आया था, एक बांग्लादेश के आर्टिस्ट थे, उनका शो था, उन्होंने बांग्लादेश से मुझे फ़ोन किया कि ऐसे ऐसी गैलरी है वहाँ पर, मैं सोलो शो कर रही हूँ, नाम मैं पूछा मैं तो की बात में उनकी कोरोना के अंदर, उनके शो में मैं आया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और इनका हितकारी जी का जो सपोर्ट है, और हर आर्ट के बड़े से बड़े से शो में हितकारी जी का प्रेजेंस मुझे बड़ा अच्छा लगता है, तो आर्टिस्ट को बड़ा सपोर्ट करते हैं। और ये जो सोलो शो उन्होंने किया है राज बलराम जी, मुझे केरला से मुझे इन्फॉर्म किया, मैं ऐसे करें वहाँ पे शो कर रहे हैं, मैं डेफिनेटली आऊँगा। तो ये सेल्फ टॉट आर्टिस्ट है, जिससे लोग जानते हैं, यहाँ सब आर्ट के प्रोफेसर और सीनियर आर्टिस्ट खड़े हैं, तो मैं बस यही कहता रहा हूँ हमेशा से, मतलब अपने ड्राइंग स्ट्रॉन्ग करते रहो, बाकी काम तो आगे चलता रहे, वो सेकेंड स्टेप चलता रहे, तो ये अच्छा क्योंकि स्पेशली जो इनके ये वाले जो छोटे वर्क हैं मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, और अच्छा अच्छा वर्क है यहाँ पर। और बाकी आप महेंद्र साहब जो है हमेशा से प्रमोट कर रहे हैं, मुझे बहुत बार इन्होंने बुलाया अपने शोज़ में, तो मैं वन टू वन मेरा यही रहता है कि मैं आर्टिस्ट से वन टू वन बात करता हूँ, आर्टिस्ट जो कर रहा है मैं उसी में बात करता हूँ, मैं अपनी तरफ से उसके ऊपर नहीं थोपता, मैं ऐसा टीचर नहीं हूँ कि बोलो मैं जैसे कह रहा हूँ वैसे करो, मैं स्कल्प्टर हूँ तो स्कल्पचर बनाओ आप, मैं अगर लैंडस्केप बनाता हूँ तो मैं बोलता हूँ जैसा आपने काम किया इसमें कैसे इंप्रूवमेंट होगा,
पिछले 35 साल से तो मैं यही कर रहा हूँ और मीडिया और आर्ट के साथ टुगेदर हूँ, तो मीडिया में हूँ तो आर्ट डायरेक्टर हूँ, तो आर्ट भी साथ में है, मीडिया भी साथ में चल रहा है। तो बहुत अच्छा कॉन्ग्रेचुलेशन, और जितने अवार्डीज हैं मैं सभी को जानता हूँ इतफाक से, और सभी अच्छे आर्टिस्ट हैं, और इसमें कई अवार्डीज ऐसे हैं जिनको हम भी अवार्ड दे चुके हैं वर्ल्ड यूनिवर्सिटी डिज़ाइन का। तो सर आपने बहुत अच्छा सिलेक्शन किया, आपने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया एवरीवन, थैंक यू। चलिए अभी तो मैं इंडोनेशिया में करने वाला हूँ, बाली चलिए, आइए इंडोनेशिया, मेरे पास इंटरनेशनल पासपोर्ट। हाँ तो बस चलना है, अब मैं नेशनल नहीं कर रहा हूँ, इंटरनेशनल ओनली। नेशनल में इतने सारे लोग हैं, जैसे कि अभी इधर हमारे सर हैं, इधर हमारे राज बलराम सर है, केरला में धूम मचाए हुए हैं। ये हमें एक इंस्पिरेशन मिलता है कि कम से कम आर्ट को प्रमोट, और ये सदरे आनंद साहब और हाफिज साहब ऐसे हैं जिन्होंने हजारों आर्टिस्ट बना दिया, जहाँ आप उनके बायोडाटा देखिए ना तो 90% में सबका लिखा हुआ जामिया में लिया, जामिया। हमारे गुरुजी, हमारे गुरुजी भी हैं सर। हाँ हाँ, हमारे सर गुरुजी भी हैं, और मुझे खुशी है कि जो मेरे अग्निपथ की गवर्निंग कोर्सेज है उसमें ये पहले दिन से जुड़े हुए हैं। और आपको एक और बताऊं, आर्टिस्ट जब पीएचडी करता है ना तो उसकी थीसिस यही पास करते हैं, आप लोग पहले मिल लीजिए अगर पीएचडी लेनी है, यही करेंगे, हर यूनिवर्सिटी से आते हैं इनके पास पढ़ते हैं, उसके बाद इनकी अप्रूवल से ही पीएचडी मिलती है। चलिए सर, थैंक यू वेरी मच, आप सब लोग आए।